फ्रेंड्स, मैं हरिण प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है इस वीडियो में क्लास 11th के इंग्लिश सब्जेक्ट के एक पोएम जिसका नाम है द लेबरन टॉप, इस पोएम के सेंट्रल आइडिया को स्टडी करेंगे। इस पोएम का हिंदी एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप उसको देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखिए, यह पोएम द लेबरन टॉप, इसका सेंट्रल आइडिया स्क्रीन पर आपके सामने है, आइए हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, लिखा है कि द पोयम द लेबरनम टॉप बाय टेड ह्यूजेस डिस्क्राइब्स अ म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन अ लेबरनम ट्री विच इज लार्ज ब्यूटीफुल बट क्वाइट अलोन एंड ए गोल्ड फिंच बर्ड विच इज क्वाइट अम्यूजिंग ब्यूटीफुल बट विदाउट अ शेल्टर। तो इसमें कह रहा है कि द पोयम द लेबरनम टॉप बाय टेड ह्यूजेस, कह रहा है कि लेबरनम नाम की पोयम जो कि टेड ह्यूजेस के द्वारा लिखी गई है डिस्क्राइब्स, वह वर्णन करती है, किसका वर्णन करती है, कह रहा है कि अ म्यूचुअल रिलेशनशिप, म्यूचुअल का मतलब होता है पारस्परिक और रिलेशनशिप का मतलब संबंध, कह रहा है कि वह पारस्परिक संबंध का वर्णन करती है, किसके पारस्परिक संबंध का, कह रहा है कि बिटवीन, कह रहा है कि अ लेबरनम ट्री, एक अल्तमस का वृक्ष, एक लेबरनम ट्री के बीच, कह रहा है विच इज लार्ज, जो कि बड़ा है, किसको कह रहा है, लेबरनम ट्री कह रहा है जो बड़ा है, ब्यूटीफुल सुंदर है, बट क्वाइट एलोन लेकिन बिल्कुल अकेला है, और किसके बीच जो है पारस्परिक संबंध का वर्णन करती है, कह रहा है कि एंड ए गोल्ड फिंच, और गोल्डफिंच पक्षी के, एंड गोल्डफिंच बर्ड और गोल्डफिंच पक्षी के बीच, कह रहा है कि एक इसमें जो लेबरनम टॉप यह पेड़ है, यह पोयम है, यह जो कि टेड ह्यूजेस द्वारा लिखा गया है, यह एक पारस्परिक संबंध का वर्णन करता है, किसके बीच पारस्परिक संबंध का, लेबरनम ट्री के बीच और किसके बीच, गोल्डफिंच नाम की जो पक्षी है, कह रहा है कि विच इज क्वाइट अम्यूजिंग, कह रहा है कि जो बिल्कुल अम्यूजिंग है मतलब मनोरंजक है, किसको कह रहा है, अम्यूजिंग है, गोल्ड फिंच पक्षी को, ऊपर ट्री का भी वर्णन कर रहा है, नीचे गोल्ड फिंच पक्षी का भी वर्णन कर रहा है, कह रहा है कि ब्यूटीफुल सुंदर है बट विदाउट ए शेल्टर, लेकिन इसके पास अपना कोई शेल्टर नहीं, मतलब इसका अपना आसरा या अपना सहारा नहीं है, आसरा नहीं जहाँ पे रह सके। द लेबरनम ट्री, कह रहा है कि ये लेबरनम का पेड़ जो है गिव्स द हाउस टू द बर्ड, कह रहा है कि यह जो है पक्षी को घर प्रदान करता है, एंड इट्स यंग चिक्स, और इसके छोटे छोटे बच्चे, एंड द बर्ड और पक्षी इन टर्न, कह रहा है कि इन टर्न बारी बारी से टेक्स अवे इट्स डेड साइलेंस, कह रहा है कि टेक्स अवे दूर करते हैं इट्स डेड साइलेंस, इसकी मृत शांति को, इसकी मृत शांति को जो है, या इसकी शांति को, वो यह जो है जो गोल्डफिंच पक्षी है और उसके जो बच्चे हैं वो उसको दूर करते हैं, मतलब वो पेड़ शांत रहता है लेकिन जो ही गोल्डफिंच पक्षी वहाँ पर आता है तो वहाँ पर हलचल पैदा हो जाती है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि दस इस प्रकार द पोएट हियर इन द पोएम वांट्स टू टेल द रीडर द इम्पोर्टेंस ऑफ लिविंग विथ ईच अदर, इसमें कह रहा है कि दस इस प्रकार द पोएट जो कवि है हियर इन द पोएम, कह रहा है यहाँ पर पोएम में वांट्स टू टेल द रीडर, कह रहा है कि वह रीडर को बताना चाहता है अर्थात पाठकों को बताना चाहता है द इम्पोर्टेंस ऑफ लिविंग विथ ईच अदर, क्या बताना चाहता है, कह रहा है इम्पोर्टेंस महत्व बताना चाहता है किसका, ऑफ लिविंग विथ ईच अदर, एक दूसरे के रहने एक दूसरे के साथ रहने का महत्व बताना चाहता है। इसमें कह रहा है इस प्रकार जो पोएट है इस पोएम में पाठकों को एक दूसरे के साथ रहने का महत्व बताना चाहता है कि किस प्रकार हमारा एक दूसरे का साथ रहना, एक दूसरे का सहयोग करना जरूरी है यदि हम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो। एवरी पर्सन हैज डिफरेंट कैपेबिलिटीज एंड थिंग, कह रहा है कि एवरी पर्सन प्रत्येक व्यक्ति के पास जो है हैज डिफरेंट कैपेबिलिटीज, कह रहा है कि विभिन्न भिन्न भिन्न प्रकार की क्षमताएँ होती हैं, एंड थिंग्स और उसके पास वस्तुएँ होती हैं, प्रत्येक व्यक्ति के पास जो है भिन्न प्रकार की क्षमताएं होती हैं और वस्तुएं होती हैं। वी शुड लिव विथ ईच अदर, हमें एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, एंड एलवेज ट्राई टू लेंड हेल्पिंग हैंड, और क्या करें, एंड एलवेज ट्राई, और हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए, क्या करने का,
टू लेंड ए हेल्पिंग हैंड, हेल्पिंग मतलब सहयोग के लिए हाथ बढ़ाना, अर्थात हमें सहयोग के लिए हाथ बढ़ाने के लिए सदैव प्रयास करना चाहिए, मतलब हमें दूसरों को सहयोग करना चाहिए। एंड दी अदर्स विल आल्सो डू द सेम, कराए कि और दूसरे भी ठीक वैसा ही करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये सेंट्रल आइडिया कंप्लीट हुआ, एक या दो बार आप देख लेंगे तो आपको इसका पूरा समझ में आ जाएगा और आप परीक्षा में आसानी से लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब से कर दीजिएगा। थैंक यू।